नमस्कार, टीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कैबिनेट की बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने लिए कई अहम फैसले। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण से होंगे स्कूल कॉलेजों में एडमिशन। सीएम भूपेश बघेल ने की नायब तहसीलदारों के लिए बड़ी घोषणा। नायब तहसीलदारों को अब राजपत्रित अधिकारी का दिया जाएगा दर्जा। और भाजपा सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को बताया सेट मुलाकात। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पहले जैसी आरक्षण व्यवस्था के तहत एडमिशन प्रोसेस पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पहले की तरह आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू, अनिला भेड़िया, मोहन मरकाम के साथ कई अफसर बैठक में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री कवासी लखमा व जय सिंह अग्रवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नायब तहसीलदारों के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रदेश के नायब तहसीलदारों को अब राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांतीय सम्मेलन में इसकी घोषणा की। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांतीय सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अधिकारियों का समय पर प्रमोशन जरूर होगा। उन्होंने कहा कि कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग हैं। राजस्व अधिकारियों ने कोविड के समय महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने और लोगों को सहायता पहुंचाने का काम किया था, जिसकी पूरे देश में छत्तीसगढ़ की सराहना हुई। ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हमारे पीएससी है, सीएससी है और जितने भी हॉस्पिटल हैं, उसमें बेड की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना, ड्यूटी लगाना, और उस समय डॉक्टर की कमी थी, नर्स की कमी थी, वो सारी चीज़ें हैं। उस समय फिर राशन की व्यवस्था करना, वो सब बातें तो उस समय जो भूमिका रही है छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विभाग के, मैं केवल एक विभाग की बात नहीं करूँगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन का काम तो तहसीलदार है, एसडीएम है, जिला में कलेक्टर है, इन्हीं लोगों को करना पड़ता है। उस समय जो भूमिका आप सबकी रही है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिना किसी शिकायत के पूरे प्रदेश में 1.5 लाख एकड़ भूमि गौठानों के लिए आरक्षित की गई। यह काम कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के कार्य के प्रति समर्पण को दिखाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में कसावट और जनता की सेवा करने के जज्बे की वजह से सुकमा जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाति प्रमाण पत्र, नामांतरण और बंटवारा प्रमाण पत्र लोगों को उनके घर जाकर दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कृष्ण कुमार लहरे, विक्रांत सिंह राठौर, शशिभूषण सोनी समेत राज्य भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे। भाजपा सांसद संतोष पांडे व पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को सेट मुलाकात बताया है। भाजपा सांसद संतोष पांडे व पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने दावा किया कि इस कार्यक्रम में जो युवा मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं उन्हें सवाल पहले ही दिए जाते हैं। अलग अलग कॉलेजों को भीड़ जुटाने की व्यवस्था करने का जिम्मा दिया जाता है, इसके बाद कार्यक्रम में युवाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। सांसद संतोष पांडे ने दावा किया कि कांग्रेस को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। युवाओं से लोकलुभावन वादे कर उन्हें ठगने का काम किया गया, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि 10 लाख बेरोजगार युवाओं को 2500 बेरोजगारी भत्ता देंगे। सरकार बनी तो बेरोजगारी भत्ता देने के नियम पर अनेक शर्तें लगा दी गई। रुपये देना था 2500 के हिसाब से 15,000 करोड़ रुपया होता है। चुनाव जीतने के बाद इसमें कंडीशन लगा दिए गए, इसमें अनेक शर्तें लगा दी गई और केवल अभी आखिरी में 4.5 साल खत्म होने को जब आया तो 250 करोड़ रुपए इन्होंने बजट में प्रावधान किए। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ सबसे बड़ा छल है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की ऑब्जर्वर मीनाक्षी नटराजन को बदलकर उनकी जगह AICC के सचिव डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद को यह जिम्मेदारी दी है। मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना का ऑब्जर्वर बनाया गया है। बता दें कि कांग्रेस ने 31 जुलाई को 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर सीनियर ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर की नियुक्ति की थी।
इसमें छत्तीसगढ़ के लिए प्रीतम सिंह सीनियर ऑब्जर्वर और मीनाक्षी नटराजन ऑब्जर्वर को बनाया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के लिए प्रीतम सिंह सीनियर ऑब्जर्वर और मीनाक्षी नटराजन को ऑब्जर्वर बनाया गया था। अब AICC के नए आदेश के मुताबिक मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना का ऑब्जर्वर बनाया है, वहीं छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद संभालेंगे। डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद आंध्र प्रदेश के नेता हैं, वर्तमान में AICC के प्रभारी सचिव हैं। इससे पहले सिरिवेला प्रसाद AICC के अनुसूचित जाति विभाग के संयोजक भी रहे हैं, दलित ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट भी रहे हैं। सिरिवेला प्रसाद ने साल 2019 में आंध्र प्रदेश के ओंगोल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।